Afternoon, my dear students, second year GNM student. Today I will take tonsillitis, and this topic is taken from MSN second ENT. Tonsils are the two lymph nodes located on each side of the neck of the back of your throat. That means जो आपके tonsils होते हैं वो आपके दोनों तरफ रहते हैं the back of your throat में, ठीक है? दे फंक्शन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स एक तरीके का प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, डिसीज से अगेंस्ट, मतलब कोई भी डिसीज को आने से रोकते हैं, ठीक है, तो उससे एक तरीके का बैरियर का काम करते हैं, मतलब रुकावट, या बोले तो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्शन का काम करते हैं. दे हेल्प प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. तो ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस आने से रोकती है या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है. व्हेन द टॉन्सिल्स बिकम इन्फेक्टेड द कंडीशन इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस. नॉर्मली टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं, जब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जब वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस. ओके, सी द पिक्चर ऑफ टॉन्सिलाइटिस. दिस इज अ नॉर्मल टॉन्सिल्स. This is a soft palate and this is a uvula and this is tonsils. Each side tonsil. और जब abnormal tonsils होते हैं, that means this one. इसमें क्या हो जाता है, infection हो गया, inflamed हो गए हैं, ठीक है. So this is called the infected tonsils. तो हमारे जो tonsils होते हैं, they are two lymph nodes and located on the each side of the back of your throat. Each side of your back of the throat. Okay? And their functions like a defense mechanism. They help to prevent infection from your body. Now we will see the causes. Bacteria, for example, streptococcus bacteria, virus, Epstein Barr virus. And diagnosis based on physical examination of the throat. That means diagnostic evaluation में हम लोग according to the physical examination ही आगे जो भी process करना रहता है वो हम लोग throat का करते हैं, ठीक है. तो for the diagnostic purpose physical examination must. Throat culture may gently swallowing the back of your throat. That means हम लोग इन शॉर्ट वे डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में टॉन्सिलाइटिस में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इट इज़ द हम लोग थ्रॉट कल्चर कर सकते हैं. सिम्टम्स, सोर थ्रॉट विल बी देयर ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस. डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि टॉन्सिल जो है आपके इन्फेक्टेड है और वही बीच में रुकावट करेगा, ठीक है. थ्रॉट सोर हो जाता है, प्लस आपको पेनफुल होता है, ठीक है, सॉलोइंग करने में दिक्कतें आ जाती हैं, तो ये सारे आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे. देन स्क्रैची मीन्स होता है जैसे कि रफली, तो जैसे रफली साउंडिंग वॉइस, मतलब खुरखुरी सी आवाज आना, ठीक है. क्यों? क्योंकि आपके टॉन्सिल जो हैं जो कि बैक ऑफ योर थ्रॉट में लोकेटेड है, उसमें क्या होगा, रफनेस आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉन्सिल जो ईच साइड होता है वो इन्फेक्टेड है, उन्हीं इन्फेक्शन के वजह से हमारी स्ट्रेची वॉइस, मतलब जो हमारी रफली साउंडेड वॉइस हो गई है, तो जब हम बात करेंगे तो हमारा वॉइस रफली जैसे सुनाई देगा, ठीक है. तो दिस इज द सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस. देन बैड ब्रेथ, ठीक है, बैड ब्रेथ विल बी देयर. फीवर विथ चिल्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है, और जब भी इन्फेक्शन होता है तो कॉमनली फीवर सबसे पहला सिम्टम्स दिखेगा, ठीक है. ईयर एक विल बी देयर. सीवियर हेडेक, स्टिफ नेक, जॉ एंड नेक टेंडरनेस ड्यू टू सॉलन लिम्फ ग्लांड्स और नोड्स. टॉन्सिल्स दैट अपीयर रेड एंड सॉलन, इन्फेक्शन है तो आपको वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देगी, रेडनेस दिखाई देगा, रेडनेस एंड समटाइम्स
उस इन्फेक्शन की वजह से आपको इन्फ्लेम के जितने भी स्टेजेस होते हैं वो आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे. देन टॉन्सिल्स दैट हैव वाइट और येलो स्पॉट, तो जो टॉन्सिल्स जो होंगे टॉन्सिलाइटिस जो हो जाता है तो वहाँ पर आपको वाइट वाइट पैचेस टाइप के दिखाई देंगे या येलो ही स्पॉट्स दिखाई देंगे. ठीक है, तब आपको समझ में आता है कि वो टॉन्सिल जो है वो इन्फेक्टेड है. ठीक है, जब आपको कुछ चीज़ आप लेते हैं तो आपको दिक्कत हो रही हो, पानी पीने में भी दिक्कत हो रही हो, या सोर थ्रॉट हमेशा बना रहा हो, या आपके टॉन्सिल्स में वाइट स्पॉट्स हो या येलो स्पॉट्स हो, सो इट मे इंडिकेट टू टॉन्सिलाइटिस. मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट फॉर मोर सीवियर केसेस में इंक्लूड एंटीबायोटिक्स और टॉन्सिलेक्टमी फॉर प्रिवेंट ऑफ टू रिड्यूस द इन्फेक्शन. वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स एंड समटाइम्स इफ इट इज मोर इन्फ्लेम्ड मोर इन्फेक्टेड सो इट्स मस्ट टू गो अंडर सर्जरी दैट इज टॉन्सिलेक्टमी, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स. सर्जरी टू रिमूव टॉन्सिल्स एज कॉल्ड टॉन्सिलेक्टमी. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यू हैव टू टेक. Get lot of rest. Gargle with warm salt water several times a day. That means आपको gargle जो है वो salty warm water with salt डाल के आपको gargle करना है. So it will help. Use throat lozenges. That means lozenges जो होते हैं एक तरीके की medications होती हैं, जैसे कि Vicks की गोली आती हैं और जैसे कि cough की कोई drops आते हैं जो कफ को रिड्यू, जैसे कॉफलेट्स आती हैं, तो ये सारी मेडिसिन इसके लिए टॉन्सिलाइटिस के लिए भी यूज़ किया जाता है फॉर थोड़ा सा पेनफुल जो सिचुएशंस हो रहा है, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थोड़ा सा रिड्यूस होने के लिए. सो यूज थ्रॉट लोजेंस एंड यूज अ ह्यूमिडिफाइज टू मॉइस्टन द एयर इन योर होम. मॉइस्चर शुड बी देयर. देन अवॉइड स्मोक. स्मोक जो है अवॉइड करना है. जब किसी को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो स्मोक ये सब चीज़ें नहीं लेना है, क्योंकि इनके वजह से और भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है. देन कॉम्प्लिकेशन, पेरीटॉन्सिलर एब्सिस. पेरीटॉन्सिलर एब्सिस मीन्स होता है पस बिहाइंड द टॉन्सिल्स. पस बिहाइंड द टॉन्सिल्स दैट मीन्स दिस वन इज द टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स ये इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स है, इसके पीछे बिहाइंड द टॉन्सिल्स क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, एब्सिस विल बी देयर, सो दैट इज कॉल्ड द पेरीटॉन्सिलर एब्सिस. ओके, जस्ट बिहाइंड द टॉन्सिल्स. देन रियोमेटिक फीवर. रियोमेटिक हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेशन है. देन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन्स दैट मीन्स होता है जो कि किडनी को अफेक्ट कर सकता है, तो ये एक आपका कॉम्प्लिकेशन है. So now I am going to summarize this topic. Today we have studied tonsillitis. We have seen tonsils are the two lymph nodes which is located on the back, on the east side of the back of your throat. They function as a defense mechanism and they help to prevent your body from infection. When the tonsils become infected, the condition is called tonsillitis. Causes we have seen due to bacteria like streptococcal and virus. Diagnosis we have seen physical examination and throat culture. Symptoms, sore throat will be there, difficulty in swallowing, scratchy sounding, that means roughy sounding voice, and bad breath will be there, fever with chills, earache, severe headache. And tonsils that have looks like if there is infected tonsils, so it will looks like a white or yellow spots. White and yellow spots will be there on tonsils. Then jaw and neck tendons due to swollen lymph glands or nodes. Under the management we have seen to reduce the infection we have to give antibiotics, and if there is emergency to perform surgery, so we have to perform tonsillectomy surgery to remove the tonsils, infected tonsils. Drink plenty of fluid, okay, and gargle with warm water with salt
इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द पेन एंड रिड्यूस द इन्फेक्शन. देन अवॉइड स्मोकिंग. आफ्टर दैट वी हैव सीन द कॉम्प्लिकेशंस. अंडर द कॉम्प्लिकेशन वी हैव सीन पेरिटॉन्सिलर एब्सेस विल बी देयर, रियोमेटिक फीवर विल बी देयर, एंड दिस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल will affect to your kidney also. So this is the complication. So I hope you all understood tonsillitis. Now in other session we will see the other disease. Thank you.